फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सालार मूवी के एक ऐसे अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जिसे जब मैंने खुद देखा तो लिटरली मैं शॉक में चली गई थी फ्रेंड्स। मुझे खुद ही बहुत ही बड़ा झटका लगा था और अगर ऐसा कुछ हुआ तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों ऑडियंस के दिल टूटने वाले हैं फ्रेंड्स। हम सभी जानते हैं सालार मूवी 28 सितंबर को रिलीज होने वाली है फ्रेंड्स। इस मूवी को लेकर काफ़ी बज है, काफ़ी एक्साइटमेंट है और अभी मूवी के टीजर को लेकर भी काफ़ी एक्साइटमेंट है। रिपोर्ट्स के माने तो फ्रेंड्स 7 जुलाई को मूवी के टीजर को रिलीज भी किया जा सकता है। हालांकि ऑफिशियल नहीं है ये अपडेट, पर फिर भी बहुत सारे रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि 7 जुलाई को सालार मूवी का टीजर आ सकता है फ्रेंड्स। इसके टीजर पे काफी काम भी चल रहा है, कट भी हो रहा है टीजर, तो बहुत ज्यादा चांसेस हाई है कि इसका टीजर आ सकता है। पर फ्रेंड्स इसी दौरान एक ऐसी न्यूज आई है जिसे सुन के आप चौंक जाओगे और हो सकता है कि सालार मूवी अपने टाइम पे रिलीज ना हो पाए फ्रेंड्स और इसे पोस्टपोन करना पड़े। उसका रीजन ये है फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि सालार मूवी में प्रभास, श्रुति हसन, जगपति बाबू उनके अलावा पृथ्वीराज भी है फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही बड़े एक्टर हैं और बहुत लेट से इस मूवी के साथ जुड़े थे। और उनके साथ फ्रेंड्स एक मलयालम मूवी के शूटिंग के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था फ्रेंड्स, छोटा सा एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद उन्हें सर्जरी कराना पड़ा, तो बड़ा ही होगा फ्रेंड्स। हालांकि उन्होंने खुद ही सोशल मीडिया साइट में अपने हेल्थ को लेकर अपडेट दिया है फ्रेंड्स। सबसे पहले उन्होंने सारे वेल विशर, सारे फैंस को थैंक यू बोला है जो उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए प्रे कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्होंने बोला है कि सर्जरी हो चुकी है और अभी वो सेफ हैंड्स में है, मींस एक्सपर्ट डॉक्टर की कस्टडी में है फ्रेंड्स। और साथ ही साथ फ्रेंड्स उन्होंने ये भी बोला कि डॉक्टर ने उन्हें एडवाइस किया है कि कपल ऑफ मंथ्स उन्हें कंप्लीटली बेड रेस्ट करना पड़ेगा, साथ ही साथ फिजियोथेरेपी का भी काफी सेशन करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो ये है मैटर ऑफ कंसर्न फ्रेंड्स, मींस बेड रेस्ट, कंप्लीट बेड रेस्ट डॉक्टर ने उन्हें बोल दिया है करने को। और हम सभी जानते हैं कि सालार मूवी के ऑलमोस्ट शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है रिपोर्ट्स की माने तो फ्रेंड्स, पर कुछ शूटिंग अभी भी बाकी है जिसमें पृथ्वीराज सुकुमारन की भी कुछ कुछ शॉट बाकी है फ्रेंड्स, उनकी भी कुछ कुछ शूटिंग बाकी है क्योंकि ये काफी लेट से इस मूवी के साथ जुड़े थे, तो उनका हिस्से का कुछ कुछ शूटिंग बचा हुआ है फ्रेंड, जिसे करना जरूरी है क्योंकि उसे किए बिना मूवी रिलीज हो नहीं सकता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस मूवी के निगेटिव कैरेक्टर में दिख रहा है और उनकी शूटिंग कुछ कुछ अभी भी बची हुई है फ्रेंड्स, और उन्हें कंप्लीटली बेड रेस्ट करना पड़ रहा है काफी टाइम तक। तो कैसे ये शूटिंग पूरी होगी फ्रेंड्स और कैसे मूवी टाइम पे रिलीज होगा पता नहीं फ्रेंड्स। इसी के वजह से चांसेस काफी हाई है और काफी सारे रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि हो सकता है सालार मूवी को पोस्टपोन कर दिया जाए फ्रेंड्स। तो आपका क्या कहना है इस बारे में? सबसे पहले मेरे तरफ से तो पृथ्वीराज सर को ढेर सारा शुभकामनाएं, वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और अपने काम पे वापस आ जाए फ्रेंड्स और सालार मूवी पोस्टपोन ना हो फ्रेंड्स। जो भी है फ्रेंड्स आगे हमें पता लग ही जाए। फिलहाल के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज 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 लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। फिलहाल के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।